गाइज, अगर आप अपने विंडोज 10 को या विंडोज 11 को रीसेट कर रहे हो और रीसेट करने के दौरान अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है, कुड नॉट फाइंड द रिकवरी एनवायरनमेंट, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है आपका, ये प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या रीजन से ये प्रॉब्लम आता है और आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैं आपको टोटली आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ पे आपको रीसेट कर दिखा रहा हूँ और रीसेट करता हूँ, और रीसेट करने के दौरान जैसे आप देखोगे वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा। जैसे आपको मैं आप दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपडेट वाले सेक्शन में जाता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे रीसेट दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। और आप जैसे अपने अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कीप माई फाइल्स को, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉब्लम मेरा आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या रीज़न से आता है ये प्रॉब्लम, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी में मैनेजर वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्यों आता है, क्या रीजन से आता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा सी ड्राइव दिख रहा होगा, ये मेरा सी ड्राइव है और यहाँ पे मेरा आपको एक सिस्टम पार्टीशन ड्राइव आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 100 MB का या 200 MB या 500 MB का भी रहता है ये कभी कभार। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रिकवरी पार्टीशन का आपको यहाँ पे एक ड्राइव दिख रहा होगा 530 MB का। तो क्या होता है कि कभी कभार ये बाई चांस बाई मिस्टेकली ये डिलीट हो जाता है और डिलीट हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम जो आपको जो ये प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम शो होता है। अगर ये जो ड्राइव है आपका रिकवरी ड्राइव है, रिकवरी पार्टीशन जो है ये बाई मिस्टेकली डिलीट हो जाता है किसी भी रीजन से, तो ये वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है। अगर बाय द वे आपका ये जो ड्राइव है रिकवरी जो पार्टीशन जो ये ड्राइव है अगर आपका ये डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट नहीं होने के बावजूद भी अगर आपका वो प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? और बाय द वे जैसे मान के चले आप अगर आपका ये ड्राइव जो है ये डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेकली, जैसे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका ये ड्राइव डिलीट रहता है, ये ड्राइव यहाँ पे नहीं रहता है, तो इस कंडीशन में आपको इस ड्राइव को क्रिएट करना पड़ता है, रिकवरी पार्टीशन को क्रिएट करना पड़ता है। और मैं इसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर रिकवरी ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं उस वीडियो में रिकवरी ड्राइव को पेन ड्राइव को मैं वहाँ पे रिकवरी ड्राइव क्रिएट करने के लिए बताया हूँ, मैंने आप अपने पेन ड्राइव को रिकवरी ड्राइव को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप पेन ड्राइव को भी रिकवरी ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं या आप किसी अनदर ड्राइव को क्रिएट कर जैसे डी ड्राइव ई ड्राइव जैसा ड्राइव होता है उस ड्राइव को क्रिएट कर आप उस ड्राइव को भी रिकवरी ड्राइव बना सकते हो। तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और वॉच करने के बाद जो आपका रिकवरी ड्राइव है ये आपका क्रिएट हो जाएगा, आप उसे क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जिन लोग के साथ क्या हो रहा है कि ये ड्राइव क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये आपका डिलीट नहीं हुआ है तभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जितने भी प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो वगैरह डाल रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और गाइज अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपके लैपटॉप में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आप अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको यहां पे टाइप करना है CMD और यहां पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहां पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है और मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटस आपको चेक करने के लिए बताता हूँ, जो रिकवरी ड्राइव का जो स्टेटस है, रिकवरी इन्वायरमेंट का जो स्टेटस है मैं उसे चेक करने के लिए बताता हूँ कि स्टेटस में क्या शो हो रहा है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है रीएजेंट स्पेस स्लैश इन्फो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ reagent space slash
इन्फो, अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज रिकवरी इन्वायरमेंट स्टेटस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो है ये मेरा डिसेबल्ड है, और यहाँ पे विंडोज रिकवरी इन्वायरमेंट का लोकेशन भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने किसी तरह का कोई भी यहाँ पे लोकेशन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा BCD जो मेरा है, यहाँ पे आइडेंटिफायर जो यहाँ पे है ये मेरा 00 यहाँ पे शो हो रहा है, ये स्टेटस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने ये मेरा डिसेबल्ड है। और डिसेबल्ड होने के कारण ही आपका वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि इस कंडीशन में आपको यहाँ पे इसे इनेबल्ड करना है। तो इनेबल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, रीएजेंट स्पेस स्लैश इनेबल। आपको इस कमांड को यहां पे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद आपको यहां पे इंटर प्रेस करना है। तो गाइस जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे मेरा जो है रिकवरी इन्वायरमेंट जो है यहां पे सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे आप यहां पे देखोगे, यहां पे मैं जो कमांड यहां पे टाइप किया था वो मेरा यहां पे सक्सेसफुली यहां पे वर्क कर चुका है, और मेरा जो इन्वायरमेंट है, रिकवरी इन्वायरमेंट है, वो मेरा इनेबल्ड हो गया होगा। जैसे मैं यहां पे स्टेटस फिर से वापस से चेक करता हूँ, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से उसी कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, रीएजेंट स्पेस स्लैश इन्फो स्पेस स्लैश इन्फो। आपको इस कमांड को वापस से टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो है विंडोज रिकवरी इन्वायरमेंट स्टेटस यहाँ पे इनेबल हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे विंडोज रिकवरी इन्वायरमेंट लोकेशन भी यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरा बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा BCD भी यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डिसेबल रहने पे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, और इनेबल रहने पे यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा इनेबल्ड हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको अपने सिस्टम को रीसेट करके दिखाता हूँ कि वो रीसेट हो रहा है कि नहीं, मैंने वो जो एरर आ रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैंने वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने फिक्स हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाता हूँ, और मैं यहाँ पे वापस से अपने सेटिंग्स में जाता हूँ, और मैं अपने सिस्टम को रीसेट करके चेक करता हूँ कि वो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं अपडेट में गया, अपडेट में आने के बाद, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन में वापस आता हूँ, और मैं यहाँ पे रीसेट दिस PC को यहाँ पे गेट स्टार्टेड करता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये मेरा दोनों ऑप्शन वापस यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कीप माई फाइल्स को, और आप यहाँ पे देखोगे ये जो मेरा प्रॉब्लम जो आ रहा था पहले, वो यहाँ पे आप प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नहीं शो हो रहा है। जैसे मेरा जो पहले प्रॉब्लम जो एरर शो हो रहा था, कुड नॉट फाइंड दी रिकवरी इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं बोलूंगा कि आप यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, लोकल रीइंस्टॉल का। आप यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल वाले ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर आप इस रीसेट को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं ऐसे भी रीसेट के रिगार्डिंग भी एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, सेपरेटेड वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। आप चाहे तो आप उस वीडियो को वॉच करके अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीसेट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पर डालता रहता हूँ, जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।